I look at you and it's easy to see. Good morning guys, welcome back to another vlog. तो भाई दौज बहुत सब चीज त्योहार वगैरह हो चुके हैं और भाई उसके बाद तो बस वही रेगुलर लाइफ स्टार्ट हो जाती है। 5-6 दिन के त्योहार रहते हैं तो हाँ भाई त्योहारों के बाद मैं आज पहले दिन स्कूल गया था और बाकी काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। एंड भाई थोड़ा सा लेट हो गया आने में। फर्स्टली तो हमारे स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई, 2 बजे छुट्टी होती है तो 2:30 बजे तक तो नॉर्मली आता हूँ, बट आज मैं आया 3:15 पर। क्यों? क्योंकि भाई अफ्सा मून से रिलेटेड कुछ काम थे स्कूल में, तो वो करने के बाद टीचर्स ने रोक लिया था 4-5 बच्चों को, तो बस वो करवाने के बाद अभी अभी घर में आया थोड़ी देर पहले, फिर मैंने कपड़े वपड़े बदले भाई। और बाकी भाई आगरा में ना ठंड पड़नी भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई, ठंड भी काफ़ी पड़ने लग गई है। बट भाई मैंने देखो यही शर्ट पहन रही है, मतलब स्वेटर लाइक है तो सही बट स्वेटर लाइक है सुबह और शाम को, तो भाई सुबह सुबह तो स्कूल जाते हैं एंड शाम को पहननी पड़ती है भाई, उड़ी उड़ी पहन लेता हूँ मैं आराम से। तो हाँ भाई अभी फिलहाल भूख लग रही है बहुत देर, क्योंकि भाई आज तो लेट भी आया मैं, वैसे 2:30 बजे तक खा लेता खाना बट आज 3:30 बज गए। तो भाई साहब अम्मा जी बाबा जी यहाँ पर भागवत सुन रहे हैं मस्त बैठ कर। भागवत सुन रहे हो? अच्छा तो भाई देखो बाबा जी, मतलब जिस दिन दुकान नहीं, वैसे दुकान पे जाते तो दुकान पे टाइम पास होता है, नहीं जाते तो यहाँ बोर होते हैं। फ्रैक्चर तो नहीं है, बस मांस फट रहा था तो डॉक्टर ने तो मांस फटा ही बताया, बट डॉक्टर ने वैसे भी प्लास्टर की कही नहीं थी, बट फिर भी बाबा जी ने पट्टी भी नहीं बांधी, मतलब 2 दिन बांधी, डॉक्टर ने कहा था कम से कम 10 दिन बांधनी है। तो हाँ भाई फिलहाल अभी मैं आया था बाहर खाना खाने, बट भाई मैंने आप लोगों को बाबा जी से मिलवाया तो मतलब बाबा जी की क्या है, पैर में दर्द तो है बट वो दिखाई नहीं रहे किसी का, मतलब ये भी नहीं कह रहा कि दर्द हो रहा है, बस मुझसे ये ना दर्द होगा नहीं होगा नहीं, मतलब ये भी नहीं बता रहा कि बहुत तेज हो रहा है या धीरे हो रहा है, बस यही कह के छोड़ देना कि होगा नहीं क्या भाई, होगा तो सही मुझे भी पता है। तो भाई आज शायद आई थिंक कुछ अलग बना है, हाँ भाई पुलाव बने हैं, रोटी नहीं बनी आज, पुलाव बने हैं तो सारी वेजिटेबल्स हैं गोभी टमाटर मटर वगैरह। तो हाँ चलो फिलहाल खाते हैं पुलाव, इस प्लेट में निकालेंगे, चलो खाते हैं पुलाव। तो अभी फिलहाल गाइस पुलाव खा लिया और लिटरली भाई बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा था। एंड टीचर ट्यूशन जा चुकी है बट लवी नहीं गई, क्योंकि भाई उसका भी बहुत थोड़ा गलत रीज़न है, गलत भी मतलब उसकी लवी की लग रही है भाई, चोट वो गिर गई थी ना, ये देखो भाई लवी यहाँ सो रही है बट ये आज सुबह गिर गई थी तो इसकी काफ़ी सारी जगह पर चोट लग गई है, जैसे कि ये देखो ये आँख छिल रही है, ये दिख रहा होगा यहाँ पर छिल रही है। वैसे तो भाई इसके लग रही थी तो स्कूल के लिए रेडी होकर गई है बिस्किट लेने की, मम्मा मैं चाय पीऊँगी मैं, चलो बिस्किट लेकर आती हूँ, बिस्किट लेकर आ रही थी एकदम डॉगी आया, डॉगी के डर से भागी सो ही गिर गई एकदम से। तो भाई स्कूल की भी छुट्टी हो गई, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं कल चली जाएगी, बट भाई इसके लग गई है बुरा है भाई। उसके बाद तो ये चीज़ भी खाकर जब मैं स्कूल जा रहा था तब तो जग रही थी बट फिर सो गई। एंड देन भाई अभी फिलहाल मम्मी जी तो उठ गई, लवी नहीं उठी बट, तो भाई मम्मी जी ने उठते ही अपने सारे घर के काम स्टार्ट, मतलब कि भाई ये देखो सारे प्रेस के कपड़े यहाँ पर रख दिए जो जो कपड़े प्रेस होने के हैं। एंड मम्मी जी भी गई हैं बाहर सारे कपड़े घड़ी करने, हाँ भाई मम्मी जी को देख लो सोते सोते काम कर सोती हैं एंड उठते उठते काम, तो हाँ भाई चलो मम्मी जी का तो चलता रहता है भाई, बेचारी मम्मी जी बहुत मेहनत करती हैं। और भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही मम्मी जी करती हैं, सब लोगों के आप सभी की मम्मी भी करती होंगी भाई, तो हैट्स ऑफ टू द मदर्स, सच में भाई लिटरली बहुत मेहनत करती हैं मम्मियाँ सब होगी। बस ये देखो लवी का ये है न्यू बैग बाहर भी वाला, ये जो कि लवी की पसंद का है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है भाई, बच्चों जैसा है, मुझे पता है भाई 5-6 साल की हो गई लवी, इतना बड़ा बैग इतना छोटा बैग भी नहीं ले जाना चाहिए, बट भाई क्या है शौक है भाई, अभी भी बच्ची है आखिरकार, 5 साल का कोई ज़्यादा बड़ा थोड़ी होता है। चलो भाई 4 बज गए, फर्स्टली मैं अपना बैग लगा लेता हूँ वरना भाई कोचिंग के लिए एंड टाइम पर बैग लगाऊंगा तो लेट भी हो सकता हूँ। तो चलो भाई फटाफट से बैग वैग लगाते हैं, देखते हैं रजिस्टर्स वगैरह सब है या नहीं। फिलहाल बैग वैग रेडी कर मैं आ गया हूँ बाहर और बाकी मेरे कोचिंग का टाइम हो गया, बैग भी टांग लिया मैंने। तो हाँ चलो फिलहाल अभी बिना किसी देरी के जाते कोचिंग एंड कोचिंग जाकर आपसे मिलते हैं। भाई मेरी कोचिंग जाने के टाइम पर चाय बन रही है बट मैं नहीं पी सकता, मैं लेट हो रहा हूँ, तो चलो फिर मैं आकर बना लूँगा। चलो मैं जा रहा हूँ कोचिंग, ठीक है बाय। तो अभी गाइस फिलहाल कोचिंग से तो मैं आ गया हूँ और बाकी भाई ज़्यादा लेट भी नहीं बैठा, 7:30 तक आ गया क्योंकि भाई सारा काम कर लिया था मैंने और फिर मैं आ गया। और बाकी भाई पता नहीं क्यों आज ना मेरी इस वाली आँख में ना पानी निकल रहा है भाई, पता नहीं क्यों निकल रहा है, बट ये वाली आँख बहुत ज़्यादा अजीब सी भी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसमें, मतलब अजीब सी दिक्कत हो रही है, पानी भी निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कम खुली हुई है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट भाई पानी निकल रहा है, मैं तो भाई इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ी बहुत दिक्कतें तो लगी रहती है ना। तो हाँ भाई अभी फिलहाल दिन की शाम के बज रहे हैं 7:30 एंड पापा जी वगैरह सब लोग आ गए क्योंकि भाई अब ठंड हो चुकी है ना, तो भाई ठंडों में हो गए छोटे छोटे दिन तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, 6:45 तक हो जाता है अंधेरा एंड फिर पापा जी को भी लगता है कि भाई लौटते में ठंड हो जाएगी, फिर पापा जी आ जाते हैं भाई। और भाई ठंड हो गई है तो ठंडों में भाई पापा जी ने ना कार से जाना स्टार्ट कर दिया है, वैसे एक से जाते थे बट ठंडों में जब सुबह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट लौट कर आते हैं ना
दोस्तों को बहुत ठंड हो जाती है ना इसीलिए। तो हाँ भाई अभी अभी कोचिंग से आया और भाई मैंने जैसे कि बताया छोटे छोटे दिन हो गए तो मम्मी जी भी कहती हैं कि जल्दी खाना खाओ और जल्दी सो दो। हाँ बेसिकली इसी के लिए मम्मी जी कहती हैं कि शाम को जल्दी सोआ करो। तो बस अभी मम्मी जी बना रही है बस खाना। मैं ब्लॉग बना रहा था इतनी देर में लवी आ गई। लवी को तो जहाँ मैं दिख जाऊँ ब्लॉग बनाता हुआ वहीं पर आ जाती। क्यों लवी क्या हो गया, सुस्त क्यों है बेटा? बच्चा बच्चा आपको बाहर बाहर नहीं, पहले एक चीज बताओ रवि आज उदास क्यों है तू? ये तो बता दे पहले बाहर जाने से पहले। भैया हाँ मैं स्कूल जा रहा था तो स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता करने के लिए बिस्कुट लेके आ रहा था। अच्छा बिस्किट लेके आ रही थी? गिर गया था देखो कौन। अच्छा हाँ ये सुबह गिर गई थी गाइस, मैंने बताया था ना बिस्किट लेने गई थी। यहाँ पे आओ दिखाना भाई, ये देखो इतनी लग गई इसकी, ये छिल गई है और नाक भी छिल रही है इसकी, नाक और ये नीचे का हिस्सा। तो भाई काफी लग गई, लवी दर्द हो रहा है। तो शाम को जी जी तो पागल है आपकी लवी। शाम को सोते हुए ना ट्यूब लगवा लेना। क्यों ला अभी लगा दो ट्यूब, अब तो पकड़ के ट्यूब लगाऊंगा। क्यों क्या हो गया? नहीं भाई लवी को ट्यूब व्यूब लगवाने से डर लगता है, मतलब जल लगे हुए पे ना किसी भी चीज़ को लगवाने से डर लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जलन मचेगी। बट भाई इससे पकता नहीं है, सूख जाता है। तो एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगाओगे ना तो अभी ये मना कर देगी, भाई रोएगी बहुत। आजा लवी तेरे ट्यूब लगाऊं, ले 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 भाग गई भाई। तो भाई मम्मी जी बना रही है खाना। तो हाँ भाई ये देखो यहाँ पर ये रॉकी की मलाई रखी हुई है, इसे करते साइड में। क्या बना रहे हो? आलू गोभी पनीर मिक्स पराठे, बढ़िया। तो भाई पापा जी आ गए ना तो घर में काफी ज्यादा नॉइज हो रही है, तो बस उसे थोड़ा सा वो करना एडजस्ट। और कुछ दिनों में माइक आ जाएगा अपना। कितने दिन में आएगा? मैं कॉल आया था क्या आज? मैं कल जाकर ही देख कर आऊंगा भाई आएगा या नहीं। बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई, एक मंथ से भी ऊपर हो गया, तो मुझे टेंशन हो रही है ऐसा नहीं भाई आए ही नहीं। तो हाँ भाई अभी ये देखो शेजवान चटनी निकल चुकी है, दही एरा। ये क्या है मम्मा? कद्दू का रायता। मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो दही खाऊंगा। किसके लिए निकाला है? तेरे लिए निकाला, मुझे पता थी खाएगा। वाह भाई फिर मैं तो दही खाऊंगा। वाह मस्त मजेदार। तो बस भाई बस ये चटनी वटनी रखी हुई है अपनी, चटनी रायता जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खाऊंगा भाई रोटी दही से और मम्मी जी बनाएंगे पराठे मिक्स के। पहले सब चीज़ें तैयार करेंगी वेजिटेबल्स मिक्स कर कर, जैसे कि हो गई प्याज आलू की तरह मिक्स कर दिए। कहाँ पे प्याज तो मिक्स कहाँ? अरे बना रखा है भाई डो देखो। तो चलो बना दो फिर फटाफट पराठे सेक दो। तो भाई आज मैं भी मम्मी जी के साथ खाना बनाती हूँ, मैं खड़ा रहूँगा, मतलब कि बेसिकली ऑब्जर्व करूँगा मैं कि मम्मी जी कैसे बनाती हैं हमारे लिए खाना। वैसे तो भाई नॉर्मल पराठे हैं मुझे भी बनाने आते हैं, बट इतनी सारी वेजिटेबल्स भरकर नहीं आते मुझे। ये देखो मटर भी लो भाई, छः छः वेजिटेबल्स, प्याज आलू गोभी पनीर मटर पाँच हुई, और क्या है मसाले छः हो गए, छः वेजिटेबल्स हो गई। अरे नहीं धनिया मिर्च कहाँ ले जाओगे, उनको एक ही मानो ना। चलो छः हो गई भाई प्लस मसाले। तो गाइस ये देखो सब्जी फैल गई भाई मेरे ऊपर, मतलब मैंने व्लॉग बनाते समय ध्यान नहीं दिया, ऐसे करके हाथ रखा सब्जी की कटोरी पलट के सीधी यहाँ आ गई पूरी। चले गया ऐसे पहुँच, अब डांट भी पड़ रही है सब्जी भी फैल गई, दो दो बुरे काम। तो मम्मी जी आप सेक लो, मैं जा रहा हूँ पैर वैर धोने। चलो भाई फिर एज यूजुअल सब सीख जाएंगे तभी आएंगे फिर। चलो पैर वैर धोकर आता हूँ, पूरा ट्राउजर भी धुलने डालता हूँ। चलो भाई मेरे से पहले बाबा जी को दे देते हैं, बेचारे बाबा जी खाएंगे पहले फिर हम खा लेंगे। चलो बाबा जी खाओ आप। तो भाई ये लो जी आ गई अपना पराठा, ये चटनी एंड ये दही। तो चलो खाते हैं अब अपना खाना। घूमने जाने के टाइम पे महाशय खाना खाने लग गए। रॉकी खा रहा है खाना, खा ले रॉकी जल्दी फिर चलेंगे घूमने। ओके सॉरी, अम्मा जी बहुत डरती हैं भाई। तो चलो खा ले भाई फिर चलेंगे घुमाने। चलो भाई खा लिया खाना महाशय ने, अब चलते हैं घुमाने। भाई खाना खाने पूरा नहीं खाया, फिर भी दलिया डाला था पूरा नहीं खाया भाई। खाना खाने के बाद ऐसी मतलब घूमने जाने के लिए करता रहता है। चलो अंदर नहीं यहाँ पे चलेंगे कि बाहर अंदर जाएंगे, भाई से लग रहा अंदर लेके जाएगा। चलो once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, damn what a hell of a view.
अभी इस रॉकी को घुमाकर तो आ गया हूँ, और बाकी भाई काफी ज्यादा रात भी हो गई है, तो भाई अभी करूंगा मैं एडिटिंग। तो हाँ चलो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप सब लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग।